तो so, जैसे कि आप ये देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि यूएस अफगानिस्तान पाकिस्तान और उजबेकिस्तान ने मिलकर एक नया क्वाड फॉर्म किया है जो पहले क्वाड फॉर्म हुआ था उसमें यू था जापान था ऑस्ट्रेलिया था और इंडिया था और यहाँ पर ये जो नया क्वाड फॉर्म हुआ है बेसिकली ये पीस और स्टेबिलिटी चाहता है अफगानिस्तान में क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट है उस पर तालिबान अटैक कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा पोर्शन वो कैप्चर कर चुका है ऑलमोस्ट 85 परसेंट अभी उसने क्लेम किया है कि वो कैप्चर कर चुका है और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक साथ लिया गया क्योंकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पर जो पावर में रहे वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट रहे बट पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान वहाँ पर पावर में रहे पता नहीं कैसे यू ने इनको एग्री किया है दोनों कंट्रीज़ के जो हेड हैं और देख सकते हैं यहाँ पर आप नीचे आर्टिकल है तो बेसिकली पाइड्रेशन है पार्टीज़ कंसीडर लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान critical to रीजन connectivity and agreed that peace and regional connectivity are mutually reinforcing. Okay. अब यहाँ पर एक ये देख लेते हैं इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपना प्यारा भारत और इसके ऊपर आप जाएंगे यहाँ पर अगर जो हम जूम करते हैं ये हमारे पास पाकिस्तान हो जाता है दैन पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान हो जाता है अफगानिस्तान के ऊपर यहाँ पर आपको तजाकिस्तान देखने को मिलता है उसके ऊपर किर्गिस्तान देन आपको देखने को मिलती है उज्बेकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो ठीक है साथ में हम ताजाकिस्तान ले सकते थे किर्गिस्तान ले सकते थे तुर्कमेनिस्तान ले सकते थे हमने उज्बेकिस्तान को ही चूज क्यों किया ठीक है यही कह सकते हैं यूएस ने उज्बेकिस्तान को चूज़ क्यों किया इसके पीछे का रीज़न है तुर्कमेनिस्तान में ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप है तानाशाही है वहाँ पर तो इस वजह से यूएस के रिलेशन वैसे ही पहले से खराब है तो इस वजह से तुर्कमेनिस्तान को चूज़ नहीं किया गया क्वाड फॉर्म करने के लिए एंड बात करते हैं तजाकिस्तान और किर्गिस्तान की तो ये पहले से फॉर्मर एलाइज रहे हैं या फॉर्मर पार्ट रहे हैं यू का जो कि आज के टाइम में रशिया है तो रशिया बिल्कुल खुश नहीं होगा और रशिया की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट भी हो सकता है जिससे कि रशिया ऑब्वियसली नाराज़ होगा जो तो रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको एक नया ग्रुप फॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाएगा ओके और आने वाले टाइम में यहाँ पर यूएस मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करता हुआ दिखेगा उजबेगिस्तान को ताकि वहाँ पर वो मिलिट्री बेस बना सकें